हेलो दोस्तों, गोल टेक्निक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि UIDAI को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सभी बैंकों ने आधार पंजीकरण का काम करने से मना कर दिया है। जैसा कि आप सभी भी अली भाई जानती हैं कि कुछ दिन पहले UIDAI ने सभी आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजरों को डीएक्टिवेट कर गवर्नमेंट बिल्डिंग और बैंकों में शिफ्ट होने के लिए कहा था, पर इसी बीच बैंकों ने आधार पंजीकरण का काम करने से मना कर दिया है। आखिर बैंकों ने आधार पंजीकरण का काम करने से क्यों मना कर दिया, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूँ एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम जाएंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में, जिसमें बताया गया है कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने क्या है कि हम बैंकों में आधार पंजीकरण का काम नहीं प्रोवाइड करा सकते और बहुत ज़्यादा काम हम आधार पंजीकरण का काम बैंकों में नहीं कर सकते। इन्होंने अपनी याचिका में दे बताया है कि हम आधार पंजीकरण का काम क्यों नहीं कर सकते। पहली बात उन्होंने बताई है कि इस काम को करने के लिए हमारे पास वो जरूरी मशीनें नहीं है जो आधार पंजीकरण के लिए चाहिए, बहुत बैंकों के पास मशीन नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि UIDAI के मुताबिक बैंकों के 10% ब्रांचों में जे आधार पंजीकरण का काम होना चाहिए, पर हम जे आधार पंजीकरण का काम 10% ब्रांचों में नहीं प्रोवाइड करवा सकते। और तीसरी बात इन्होंने कही है बैंकों ने कि इस सेवा को प्रदान करने के लिए हमें लाखों कर्मचारी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आधार पंजीकरण का काम नहीं बैंकों में कर सकते, इसलिए हमें माफ़ कर दिया जाए। इसलिए मैं तो कहूँगा आप सभी ऑपरेटरों से कि हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि बैंकों ने ये मना कर दिया है और हमें एकजुट रह होकर रहना चाहिए, और हमें भी अपनी शॉप पर ये हमें काम करने को लिए कहेगी UIDAI, तब हमें अपने नखरे दिखाने चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीएलई भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ कि बैंकों ने आधार पंजीकरण का काम करने से मना कर दिया है। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।